आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज वन में। चलिए आज की ताज़ा तरीन खबरों पर नज़र डालते हैं। दावत इस्लामी इंडिया के तहत आज बेंगलोर सिटी के अंदर दुआए सेहत इज्तिमा का इनेकाद किया गया है। दुआए सेहत इज्तिमा ये दावत इस्लामी का एक अनोखा काम है कि इसमें परेशान हाल कोई ऐसा जो कई दिनों से बीमार है, बीमारी दूर नहीं हो रही है, या कारोबारी परेशानी में मुब्तला है, कोई भी तकलीफ़ है, परेशानी है जो उसकी दूर नहीं हो रही है, ऐसे लोगों को इसमें इनवाइट किया जाता है और सुन्नत भरा बयान, फिर नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह की बारगाह में इस परेशानियों से दूर होने, इस मुसीबतों से नजात मिलने की दुआ भी की जाती है। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ात अत्तारिया दिए जाते हैं। दावत इस्लामी दुनिया भर में दीन का काम कर रही है और 108 से ज़ायद दावत इस्लामी के डिपार्टमेंट हैं, जिनमें से एक दावत इस्लामी का यही डिपार्टमेंट है, शोबा रूहानी इलाज। इसी रूहानी इलाज के शोबे के तहत आज यहाँ पर हमने दुआ सेहत इज्तिमा का इनेकाद किया गया है। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुकद्दर बनाए ये जी चाहता कदर बनाए, ये जी चाहता है मदीने को जाए, मदीने के तेरे पास आए ये जी चाहता है, तेरे पास आए ये जी चाहता। क्या वास्ते थे आज? मेरा मैं जुम्मा के दिन नमाज को आया जी, जब ऐलान करे यहाँ जो बीमार हैं उनको शिफा के वास्ते कुछ दवा तावीज़ लिख के देते हैं बोलने से, आज मैं सुबह को और रेडी होकर 10 बजे आया, आके लाइन में तावीज़ का ये लिया, चीटी लिया। मुझे गुड़गिया में दर्द था और नाक में से खून जा रहा है और पीठ में दर्द था, इसके लिए तावीज़ दिए हजरत। डॉक्टर का नहीं दिखाया? डॉक्टर का नहीं, कल दो डॉक्टर का नहीं दिखाया। वो क्या गर्मी से हो रहा तुम ना ऐसा अच्छे, ये पावांग का दर्द तो जाता नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और पीठ का दर्द क्या है? वो मामूली उम्र हुए एक बार आता होगा तो बोल रही, जरा गोलियाँ दिए एक इंजेक्शन दिए होता अच्छा, और क्या भी कम हुआ नहीं। आज सुबह को मैं इरादा करके इधर आया, आपको नमाज पढ़ को तावीज़ दिए, दो तावीज़ा दिए, एक चीटी लिए और एक आयत दिए, वो आयत पानी में दम करके पिए तो शिफा होता करके बोलने से यकीदा कर इस वजह से जूजा नहीं बैठने होता जी। और ऐसा आदर से बैठना, जूजा नहीं बैठने होता, इस वास्ते पूछताछ के लिए आया हूँ बस। कहाँ से आप हैं? खिंगेरी से आया हूँ। डॉक्टर का नहीं दिखाया? हाँ, डॉक्टर का नहीं दिखाया, उसका इलाज भी करा है जी, मगर क्या भी वो ये नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। तो उम्मीद रखो अल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह की मर्जी, ने जो चाहे वो कर सकते, क्या भी। शुक्रिया। और क्या वजह से आपको है? और अब्दुल अजीज मेरा नाम जी। यहाँ पे क्या वास्ते आपको यहाँ पे? अब मैं रोजी रोजगार के वास्ते है, मैं आज उम्र मेरी 80 साल है जी, 70 पर 8 साल तक कभी तकलीफ नहीं है मुझे, 2 साल इसके 5-6 साल भी वहाँ तावीज दिया था, अच्छा चलने को था, 20 लाख रुपये आना था, 20 लाख रुपये भी है, अब वो फिर उन्हें 20 लाख रखने को नहीं दे रहा है मुझे पैसे, उसके वास्ते रोजी रोजगार क्या है, तब तक कभी तकलीफ नहीं है मुझे, तो पहले अब इसके समय भी वहाँ था मैं,
कामयाब हुआ इसमें, और इसमें जब भी आता है इसमें कामयाबी है, बल्कि वो इतने चीज़ से आया मैं शिवाजी नगर में रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, आए नहीं नहीं, इसके पहले 10 साल पहले बार्लिन की मस्जिद में दिए थे ताबीज भव्य था, उसके पहले 4 साल पहले इनकी शिवाजी नगर में दिए थे, उन्होंने भी देखे जब भी के जब करा आराम आ गया। अभी लॉकडाउन हुआ ना जब से बहुत तकलीफ हो गया, उसके पहले कभी तकलीफ नहीं मुझे, और यहाँ का रहने वाला मैं काटन पट करता हूँ दोनों सर के हम औजारों के पे पैदाइश है मेरी दरगाह की, यहाँ पैदाइश अब शिवाजी नगर में भी रहता हूँ यहाँ भी रहता हूँ मैं, तो कभी तकलीफ नहीं। मैं बोला फिर चलो अदनी शाह इनके साथ भी मिला था, अभी मस्जिद आजम में भी इस्लामा था वहाँ भी था, जब भी सुकून आया आज भी 9:30 बजे सुबह का आ गया, जब शायद नमाज में बैठा हूँ अभी बैठा हूँ तावीज़ के। जब भी आप आ रहे हैं तो आपको शिफा मिल रहा है? मेरा अलहमदिल्ला मिल रहा है, यही तो उम्मीद पे आए हैं फिर भी जी। अभी फिर मोटा ना 80 साल 7 साल की उम्र से हमें कमाने निकल गए, कभी तकलीफ नहीं हुई। अब बीच में घर के अंदर सब दुश्मन हो गए, अब अल्लाह की मर्जी है सब्र करो, बोले बयान भी सुनिया मैं, बयान में सब्र का भी सुनिया, तो इसलिए आए। 80 साल में कितने उठे खर्च किया, सब बहुत अच्छे काम करे हमने, कोई गलती नहीं कोई गुनाह नहीं, नहीं चाय पीता नहीं, बीड़ी सिगरेट पीता नहीं, पान सुपारी खाता नहीं, इतना अल्लाह का फजल है, इसकी वजह से आया हूँ।